कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम 55 साल तक सत्ता में रहे लेकिन हमने किसी का पैसा लेकर किसी को नहीं दिया। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान हमने हर वर्ग से चर्चा की और अपना घोषणा पत्र बनाया। अग्निवीर योजना पर तंज कसते हुए सुप्रिया ने कहा कि अगर 74 साल का प्रधानमंत्री वोट मांग रहा है तो 24 साल का युवा रिटायर कैसे हो सकता है। मंगलसूत्र पर चल रहे विवाद पर श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को मंगलसूत्र शब्द का उपयोग नहीं करना था। हम 55 साल तक सत्ता में रहे लेकिन हमने किसी का पैसा लेकर किसी को नहीं दिया। हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। एक शब्द उनको नहीं यूज करना चाहिए था और एक ब्याहता होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी, मंगलसूत्र उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर दाम्पत्य के सूत्र की आप इज्जत और सम्मान नहीं करते हैं तो आप मंगलसूत्र को नहीं समझ सकते हैं। मंगलसूत्र एक सोने की चेन नहीं है, मंगलसूत्र वो प्रतीक है दाम्पत्य के उस सूत्र का जिसको ब्याहता पहनती है और जीवन पर्यंत एक विवाह के संबंध में बंधती है। हम उस देश के लोग हैं जहां की संस्कृति कहती है डोली आती है और अर्थी उठती है। आप मंगलसूत्र के नाम पर झूठ बोलेंगे? 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने तो किसी का पैसा लेकर किसी और को नहीं दिया। 55 साल से कांग्रेस सत्ता में रही, हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला लेकिन क्या किसी की जेब से एक नया रुपया निकाला? हमने गरीबों को अमीर बनाया, गरीबों को गरीबी से निजात दिलाई, हमने अमीरों को और भी अमीर बनाया। यह सच है कि कांग्रेस की सरकार में छोटे लघु मध्यम उद्योग मल्टीनेशनल बने, कांग्रेस की सरकार में लखपति करोड़पति बने, कांग्रेस की सरकार में 27 करोड़ लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थे उनको हमने ऊपर उबारा। और ये कैसे किया? ये सही नीतियां, सही नीति निर्माण से, सही नियत से हमने ये करके दिखाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।